तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रामेश्वर कुमार, स्वागत है आपका मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज 27 मई 2023 है, खेत पर कोरोजन लगाने का काम चल रहा है। और तो कोरोजन लगाने के बाद इसकी सिंचाई हो रही है, और साथ ही साथ कोरोजन में हमने ह्यूमिक एसिड मिलाया है लिक्विड वाला, तो इससे कोरोजन की पावर बढ़ जाती है। पहले पिछले सालों में भी हमने कई बार प्रयोग किया है ये, तो ये इसका रिजल्ट अच्छा रहता है। इसको मिला सकते हैं किसान भाई, बने रहिए। इसके बाद खाद भी लगाएंगे इसी गन्ने में जब पानी लगाएंगे। खेत के इस टुकड़े में हमसे गन्ना बुआई कुछ लागू हो गई थी, तो यहाँ पे गन्ना कुछ कम चल रहा है, ब्यांत भी कम निकल रहा है। तो इसमें एक्स्ट्रा पावर बढ़ाने के लिए कोरोजन के साथ ह्यूमिक एसिड मिलाया है हमने लिक्विड वाला। अन्य सालों में भी हमने हारे हुए खेतों में ह्यूमिक एसिड के साथ कोरोजन मिलाई है, तो उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो इस टुकड़े में हम ये प्रयोग कर रहे हैं। कोरोजन करने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, और जो कमर वाली टंकी होती है उससे बार बार खाली होती है जल्दी जल्दी, तो उससे काम निकल नहीं पाता। तो इसलिए हमने एक सिस्टम बनाया है कोरोजन करने का, दिखाते हैं। हमारे पास अपना निजी टैंकर है, उसके एक पाइप में से हमने इस प्रकार से चार पाइप बनाए हैं, और फिर इनसे कोरोजन की ड्रेंचिंग करा रहे हैं। इससे काम लगातार चलता है, और एक दिन में 10 एकड़ तक कोरोजन हो जाती है इससे। ट्यूबवेल से खेत में लाइन दबी हुई है, यहाँ तक आ रही है। इस टुकड़े में कोरोजन लगाने का काम तो पूरा हो गया, अब इसमें खाद लगाते हैं। खाद लगाने के बाद इसमें पानी लगाएंगे। अभी खाद मिलाया जा रहा है, 2.5 एकड़ की डोज मिलाएंगे आज एक साथ, 4 कट्टे यूरिया के। और गन्ना स्पेशल है, दिखाओ भाई, इसे पलटियो जरा। ये एक मिश्रण है, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, गन्ना स्पेशल। और एक गन्ना स्पेशल ये है, तीन केजी की पैकिंग में है ये बायो प्रोडक्ट। तो ये वाले पैकेट हैं इसमें 4, और ये वाले 4, 2.5 एकड़ में। गन्ने को हैवी डोज लगती है, धान में यही पैकेट एक एक लगता है एकड़ में। इस प्रकार का माल निकल रहा है इसके अंदर। और भी छालो एक लाइन, इतने नुकसान देती हैं, इनको भर रहे हैं। और इन भाइयों ने अब खाद मिलाना शुरू कर दिया है, एक बार का मिला, एक बार और मिलेगा। अब भाई लोग द्वारा मिलाना शुरू कर दिया है, दो बार मिलता है खाद। और ये खाद लगना शुरू हो गया है, आज दूसरा राउंड पूरा हो जाएगा खाद का पूरे खेत में। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, बरसात लगने से पहले पहले ये गन्ना मिट्टी लगाने लायक हो जाए, तगड़ी मिट्टी लग जाए इसको, बस यही प्रयास है, इसलिए इतना खर्चा कर रहे हैं। और पानी में इन भाइयों की मेहनत बढ़ गई है, अब इससे पहले हमने जो नैनो यूरिया का स्प्रे किया था उससे बाद में 1 एकड़ में और सिंचाई हो गई है, तो टैंकर आया हुआ है, तो 1 एकड़ में नैनो यूरिया का स्प्रे भी मार देते हैं। अभी दवाई घोलते हैं। और ये नैनो यूरिया का स्प्रे हो रहा है फुहारे से, कोरोजन वाला सिस्टम हटा दिया इसके आगे से। एक एकड़ में करना है ये, इसी पट्टे में।
नैनो यूरिया का स्प्रे चल रहा है अभी, स्प्रे का काम पूरा हो गया। अब ये लोग पाइप लपेट रहे हैं, इकट्ठा करेंगे फिर लपेट देंगे इसको। पाइप लपेटेंगे, इतने धानों में पानी दे के आते हैं, फिर वापस यहीं आना है। यह है धान का खेत, और ज़्यादा कुछ तो मैं करूँगा नहीं, एक फ्रेश क्यारी में पानी चला जाऊँगा बस, बाकी कल देखेंगे। ढक्कन खुलने के बाद इतना इतना पानी आ रहा है बैंड में, अब इसको हटा के ढक्कन लगाना है, बैंड दूसरी जगह लगाएंगे। हल्का भी अब ये इसका फुल स्पीड पानी है। तो वापस गन्ने वाले खेत पे जाने से तो अब कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ से लेबर चली गई है और मोटर चली रही है, जितनी सिंचाई होगी होती हो जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।